वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी फर्स्ट पेपर का टॉपिक वीट, वीट का कल्टीवेशन और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो सब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या हमको लिखना है, क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले तो जो बीएससी कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर जो अभी जिनका एग्ज़ाम अप्रैल या फिर मई में, क्योंकि अभी डेट शीट नहीं आई है, अप्रैल या मई में जब भी होगा तो उसमें वीट का मोस्टली बोटानिकल नेम और फैमिली शॉर्ट आंसर्स में पूछी जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गांठ बांध लो, पूछा ही जाता है, ये मे भी आ सकता है। तो बोटानिकल नेम और फैमिली वीट की क्या होती है, ट्रेटिकम एस्टाइवम, ठीक है, और इसकी फैमिली होती है ग्रामिनी, ग्रामिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। वीट एक्चुअली होता क्या है, ये एक अनाज होता है, क्या होता है, एक सीरियल होता है, प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है जो कि एडिबल होता है, यानी कि खाने लायक होता है, खाने वाला होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। अब वीट का मतलब होता क्या है, हिंदी में वीट को क्या कहते हैं, गेहूं, गेहूं तो सब खाते हैं ना, तो ये तो अब इसके बारे में, वीट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हम डेली ही यूज़ करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, तो ये हेडिंग्स हैं जो आपको, अगर आप इस तरह से हेडिंग वाइज लिखोगे और अपनी एग्ज़ाम की कॉपी पे, देन इट लुक गुड और मे बी एग्जामिनर खुश हो के आपको ज़्यादा मार्क्स भी दे दे। तो यहाँ पे हम आपको लिखने का तरीका भी बता रहे हैं एक तरह से, कि इस टाइप से आप हेडिंग डाल डाल के लिखिए कि फैमिली, बोटानिकल नेम, फिर ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोटानिकल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं इसमें, कंपोजिशन क्या क्या होता है, क्लाइमेट कैसा चाहिए, इम्प्रूव वैराइटीज इसकी क्या क्या होती हैं, एंड यूजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो बैक टू द पॉइंट, हम देखते हैं ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब इसकी ओरिजिन कैसे हुई और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो ओरिजिन इसकी हुई थी अराउंड 6000 BC में साउथ वेस्ट एशिया में, दो इसकी वेराइटीज़ पाई गई थी, कब, 6000 BC में साउथ वेस्ट एशिया में। और अब जो है वीट इंडिया में भी ग्रो किया जाता है, USA में भी ग्रो किया जाता है, रशिया में भी ग्रो किया जाता है, चाइना में भी, और भी कई जगह ग्रो किया जाता है, ये मेन जगह है जो मैंने लिख दी, ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे नेम आप याद भी नहीं कर पाओगे तो लिखने से क्या फ़ायदा। अच्छा, और इंडिया में जो मेन इम्पोर्टेंट जो जगह है जहाँ जहाँ पे वीट ग्रो किया जाता है वो है आपका UP, MP, बिहार, हरियाणा और काफ़ी सारी जगह हैं, ठीक है। तो ये था हमारे वीट का ओरिजिन, मतलब कैसे ओरिजिनेट हुआ, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इनको अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे कि पॉइंट वन की ये प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप होता है, पॉइंट टू एडिबल होता है, पॉइंट थ्री, तो ऐसे आपका मैटर ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने कॉमा लगा लगा के लिखा है, इसलिए शॉर्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने और प्लस पॉइंट बताया कि कॉपी कैसे भरनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा बोटानिकल कैरेक्टर्स, बोटानिकल कैरेक्टर्स यानी कि इस वीट में क्या क्या, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कि उसकी स्टेम कैसी होती है, वीट दिखता कैसा है, उसकी हाइट कितनी होती है, ये सारे आते हैं इसके बोटानिकल कैरेक्टर्स में। तो सबसे पहला हमारा बोटानिकल कैरेक्टर है कि ये एनुअल हर्ब होता है, एनुअल हर्ब, हर्ब यानी कि हर्ब जो, मतलब जैसे कि धनिया, धनिया मेनली हर्ब में आती है, बट हर्ब वो होती हैं जिनमें मतलब स्टेम हार्ड ना हो, जिनकी वुडी स्टेम्स ना हो, ठीक है। तो ये एनुअल, एनुअल मतलब क्या होता है, जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट करें, वो होते हैं एनुअल, मतलब एक ही ईयर में वो अपना पूरा ग्रो हो जाएंगे और पूरा झड़ जाएंगे, फिर उस प्लांट से कोई मतलब नहीं रहेगा, डट, इसीलिए इसको एनुअल हर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट करता है, यानी कि एक ईयर में ये उगेगा, बड़ा होगा और झड़ जाएगा, फिर हमको दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा, उस प्लांट से कोई मतलब नहीं रह जाता है। और भी होते हैं, एनुअल होते हैं, पेरिनियल होते हैं, बाइनियल होते हैं, लेकिन जो वीट होता है वो एनुअल ही होता है, ठीक है। और इसकी हाइट 1.5 मीटर की होगी, स्टेम जो होती है वो इसकी नोट्स और इंटर नोट्स में डिविजिबल होती है, ये जैसे कि स्टेम है तो नोट्स और इंटर नोट्स में डिविजिबल होती है स्टेम की, ठीक है। ये एक रबी क्रॉप होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इंफ्लोरेसेंस जो होती है स्पाइक टाइप की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बच्चों ने कि स्पाइक एक अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, उसको बोलते हैं स्पाइक टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। और एक स्पाइक में, सॉरी उसमें कम से कम 15 से 20 स्पाइकलेट होते हैं, और हर एक स्पाइकलेट में, यानी कि हर एक स्पाइकलेट का जो अरेंजमेंट होता है उसमें 1 से 5 फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं,
और हर फ्लोरेट में, फ्लोरेट अ पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसमें हर एक फ्लोरेट में एक फ्रूट होता है जिसको हम ग्रेन कहते हैं। इतना समझ में आया सभी लोगों को? फाइन, फिर अब हम आते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन हमारे में वीट में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें मेनली होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट जो मेन चीज़ें हैं वही हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब पूरा कहानी पढ़ाने का ना टाइम है और ना आपके पास याद करने का टाइम है। तो जो कंपोजिशन होता है उसमें सबसे पहले वीट में स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसकी मैंने परसेंटेज लिख रखा है कि कितना परसेंट होता है। और हाँ, परसेंटेज अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप परसेंटेज भी याद करें। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दैट्स ओके। स्टार्च होता है, एल्यूमिनाइट्स होता है, ऑयल्स होता है, वाटर होता है, फाइबर होता है, और एशेज। एशेज में क्या क्या आते हैं, विटामिन डी, ई, H3PO4, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लाइमेट, अच्छा वीट ग्रो होगा तो भाई उसको एक क्लाइमेट भी तो चाहिए होगा, ऐसे ही थोड़ी ना हवा में ग्रो होने लगेगा या किसी भी क्लाइमेट में अपने घर में उगाने लगो, ऐसे तो ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है। इसी तरह से वीट के लिए जो है टेम्परेट रीजन या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन, ये दो रीजन बेस्ट सूट करते हैं वीट के कल्टिवेशन में, ठीक। और ये जो है उगाया जाता है, यानी कि प्लांट जो इसके सीड्स होते हैं वो बोए जाते हैं कौन से मंथ में, अक्टूबर और नवंबर में, और हार्वेस्ट किया जाता है मई और अप्रैल में, ठीक है। ये जो मैंने बताया सोन और ये हार्वेस्टिंग वाला, ये नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है, बट मतलब आप लिख सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही से लेना नॉर्थ साउथ और जानने के चक्कर में ना पड़ो कि बस ये सोन किया जाता है अक्टूबर और नवंबर में और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल और मई में, ठीक। इतना समझ में आ रहा है ना सभी को? और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपको मेरा बताया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को अपनी इम्प्रूव कर सकूँ या आपको और अच्छे से वो चीज़ समझा सकूँ। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटीज़। अब वीट की जो इम्प्रूव क्वालिटीज़, यानी कि जिसमें हमको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले या सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में हम उसके अंदर हमको फाइबर्स मिल सके, तो वो क्वान्टिटी, वो इम्प्रूव वेराइटीज़ कौन सी है? सबसे पहले कल्याण सोना, सिर्फ नाम याद करो, बाकी झमेले में मत पढ़ो, बाकी बुक्स में जाओ काफ़ी सारी चीज़ें दे देंगे, वो सब सिर्फ दिमाग की बर्बादी करते हैं। अब जिनके पास दिमाग है वो कर भी सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे तो नॉर्मल बेसिस पे समझाने बैठे हैं। तो कल्याण सोना होता है, सरबती सोनारो होता है, सोनालिका होता है, मीरा मोती, ये नाम है वीट की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के, ठीक। यूजेस, वीट के क्या क्या यूजेस होते हैं भाई? वीट तो हमारे घर में ही उसके 50 यूज़ होते हैं, ये तो हम खुद भी बना के ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। बाकी मैंने कुछ यूज़ लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप अपने यूजेस बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि आपके घर में गेहूं का क्या क्या बनता है ये आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है, जाके अपने मन से भी बनाओ कुछ, अपने अपने दिमाग का यूज़ करो थोड़ा सा। रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BSC में रट्टू तोता बन के फिर वो बात नहीं रह जाती है। तो पहला यूज़ है ब्रेड बनाने में और चपातीज़ बनाने में, भाई घर सभी के घर में मोस्टली गेहूं की रोटियां ही बनती हैं, ठीक है, तो ब्रेड एंड चपाती बनाने में यूज़ किया जाता है, और बिस्किट्स बनाने में, केक्स बनाने में, पेस्ट्री बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टार्च के मैन्युफैक्चर में भी जो है वीट का यूज़ किया जाता है। फॉडर यानी कि चारा, चारा में भी यूज़ किया जाता है ये। मेकिंग बिस बास्केट, जो स्ट्रॉ होता है यानी कि जो वीट की जो घास होती है उससे हम लोग जो है बास्केट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये था हमारा वीट का कल्टीवेशन, कि वीट का कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं, और वीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ये वीट शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि इसका बोटानिकल नेम और फैमिली बताइए। तो अगर शॉर्ट में एक चीज़ और, अगर शॉर्ट में आपसे ये पूछा जाता है वीट का कि आपको बोटानिकल नेम और फैमिली बतानी है, तो सिर्फ बोटानिकल नेम और फैमिली लिख के मत चले आना, उसके बारे में भी दो तीन चीज़ें इसमें से उठा के लिख देना, दो चार पॉइंट, ताकि थोड़ा सा बढ़ाना शॉर्ट को। और लॉन्ग में आए तो आपको ये सारा लिखना है। तो वीट के लिए बस इतना ही। कम्स टू Q&A पार्ट, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। मैं हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं पढ़ाती हूँ, उससे ही रिलेटेड पूछती हूँ, ताकि मैं मुझे ये मैं जान सकूँ कि बच्चे जो है अटेंटिव हैं कि नहीं है मेरे लेक्चर में। तो आज का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने वीट पढ़ाया है तो वीट से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और जो मैंने पढ़ाया है वही ही पूछूंगी। तो आपको बताना है कि वीट किस टाइप का क्रॉप है,
किस टाइप का है, मतलब राबी क्रॉप है या फिर खारिफ क्रॉप है।